आम आदमी पार्टी पंजाब फतह करती हुई दिख रही है। पंजाब चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस समय पंजाब में 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत की भविष्यवाणी करने वाले एग्जिट पोल्स के साथ साथ पार्टी के राज्य सह प्रभारी राघव चड्ढा ने गुरुवार यानी 10 मार्च को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करोड़ों लोगों की आशा है और अगर लोग मौका देते हैं तो वो अगले लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत नजर आ रही है, इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल की वो भविष्यवाणी सुर्खियों में छा गई जब उन्होंने कहा था, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया अपनी अपनी सीटों पर चुनाव हार रहे हैं। आपकी तरफ से एक बार नहीं बल्कि 3 बार सर्वे कराया गया है कि सिद्धू और मजीठिया हार रहे हैं। मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो पंजाब के हितों की रक्षा की जाएगी। पंजाब के रुझान को देखने के बाद अब लोग अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी की चर्चा जोर शोर से करने लगे हैं। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम बातें कही थी। साथ ही सीएम चन्नी को निशाने पर लेते हुए ये भी कहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीट चमकौर साहिब और भदौर से हार रही है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया दोनों ही अपनी सीटें हारने वाले हैं। इन दोनों सीटों पर आपका कैंडिडेट जीतेगा। आपकी तरफ से एक बार नहीं बल्कि 3 बार सर्वे कराया गया है कि सिद्धू और मजीठिया हार रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पंजाब की सियासत में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने ऐसी सेंध लगाई है जो चौंकाने वाली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी दमदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल गई है। फिलहाल सूबे की 117 सीटों में 90 पर आपकी बढ़त है। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों पर पिछड़ रहे हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की इस भविष्यवाणी पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।